चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गोदरेज कंज्यूमर की चर्चा चल रही थी, तब कुछ दिक्कतें आ गई थी। गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स थम्स अप है। अब वो एक एडजस्टमेंट के चलते आपको तगड़ा घाटा जरूर दिखेगा, अदरवाइज हर पैरामीटर पे नंबर्स स्ट्रांग। बैती साहब, तेजी करोगे क्या गोदरेज कंज्यूमर? वैसे भी एक आउट परफॉर्मर है अपने स्पेस का। जी आशीष जी, सेटअप अच्छा बना हुआ है चार्ट्स पे और कंटिन्यूअसली आई थिंक अप्रैल मिड अप्रैल से ही हायर हाईज के पैटर्न्स इसमें बन रहे हैं। कल फ्लैट जरूर क्लोज हुआ और वो पॉजिटिव रहा है स्टॉक के लिए। हमें लग रहा है कि इसमें आज शायद 1290 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी इसमें। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1230 का एसएल मेंटेन करके पोजिशन खरीदारी की तरफ बनाई जा सकती है। तीसरा वायदा का नंबर है गुजरात गैस, जिस पे मानस ने ऑलरेडी एक फोनर जुड़ गया। विनोद गोयल जी जुड़े हैं हमारे साथ। विनोद जी, गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है इस बार आपको? नहीं, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। ओके विनोद जी, पहले बताइए, ये कंफर्म कर सकते हैं क्या कि अब जो ट्रेडिंग आर एक्सटेंशन होना था वो नहीं होगा? नहीं, ये तो अभी सेबी का ही सेबी का न्यूज मेरे को अभी आया है व्हाट्सएप में, तो मैंने पढ़ा है। तो सेबी ने कारण बताया है कि अभी इसका एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं। उसमें डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन हमारे एसोसिएशन में जो हमने उस समय एक व्यू लिया था एक्सटेंशन का, वो हम लोगों ने सारे आपस में सलाह करके किया था, क्योंकि वो खाली इंडेक्स फ्यूचर के लिए हो रहा था। और उसमें भी हमारी कंडीशन थी कि अगर बैंकों का और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैच करना चाहिए, नहीं तो उसमें अगर लेट आवर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो हम किसको कॉन्टेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी आपका प्रपोजल सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए था, स्टॉक्स के लिए नहीं था पहले भी? हाँ, तो सर हमारा तो यही स्टेंस है कि हमारे मेंबर्स की जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार हम अपना व्यू देते हैं। तो उस समय हमारे मेंबर्स ने जैसा हमको बोला था कि ठीक है, हम राजी हैं एक्सटेंशन करने के लिए। अब ये आया है सेबी का कि भाई अभी टाइम राइट नहीं है, यानी उनको ये समझ में आया होगा कि भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अभी हमारा पूरा इन प्लेस नहीं है और वो टाइम राइप नहीं है। तो हमें ये भी स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि एनमी ने भले ही हाँ बोला हो, लेकिन छोटे ब्रोकर्स ने कंसर्न बताई हो सेबी को कि शायद बड़े ब्रोकर्स तैयार है लेकिन छोटे ब्रोकर्स के पास अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए? नहीं, वो चीज तो शाश्वत है, वो तो आज नहीं तो कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि एक सर्वसम्मति बनाई जाती है कि भाई व्यापारिक लोग हैं तो व्यापार में अगर बढ़ता है और अगर एक्सचेंज है और सेबी हमारा रेगुलेटर है, वो चाहते हैं तो हम लोग अपने को उसके अनुसार ढालेंगे। उस समय वो एक स्वीकृति बनाई गई थी और हमारा उसमें हम लोग गोइंग बैक नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज सेबी ने जब ये डाला कि साहब हमें नहीं दे रहे हैं सेंक्शन, तो उन्होंने कंसीडर किया होगा ना कि वो जो हमने असुविधाएं बताई थी वो असुविधाओं का निराकरण नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं एक्सटेंशन करें तो हम उसके लिए भी तैयार है। वो बात मैं समझ गया आपकी, तो लेकिन अभी के लिए माना जाए कि अभी के लिए प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया और अब दोबारा रिविजिट होने में टाइम लगेगा इसको? हाँ जी, तो एटलीस्ट अगले एक डेढ़ साल के लिए मान लें कि अब ये बैक बर्नर पर रहेगा इशू, अब ट्रेडिंग टाइम वही रहने वाला है 3:30 तक का ही? हाँ हाँ, अभी तो जो ऐसा सेबी का ही आया है न्यूज तो वही रहेगा। ठीक है, नेचुरली। और हाँ, आपकी तरफ से क्या दोबारा प्रपोजल जाएगा, कोई टाइम गैप होगा उसके बाद प्रपोजल जाएगा कि दोबारा सर्वसम्मति बनी है यहाँ पर? अगर प्रपोजल आता है उस समय क्या वो लिखते हैं, क्या उन्होंने हमारे शंकाओं का निराकरण किया है, तो उस समय फिर हम लोग बैठेंगे, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसमें हम लोग एक डिसीजन लेंगे सर्वसम्मति से। नहीं, लेकिन विनोद जी इसमें इशू यह था कि बहुत लोगों का ये माना था कि कैश की ट्रेडिंग नहीं बढ़नी चाहिए थी लेकिन सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स बढ़ सकता था, क्या आपको लगता है कि वो अभी भी इंटैक्ट है? जितना जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता है उसी तरीके से डोमेस्टिक ट्रेडर्स को भी एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग करने का मौका मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए तो उसके साथ और भी तो एसोसिएटेड कंडीशंस है ना कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग का और उसका सब इन प्लेस रहना चाहिए, तो वो शायद इन लोगों को लगा कि नहीं हो पा रहा है। नहीं, लेकिन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी आज की डेट में क्या दिक्कत है जब सब कुछ डिजिटल है? तो सर डिजिटल की आप बात कर रहे हैं मनोज जी, प्रैक्टिकल में हमारे मेंबर्स का रोज रहता है कि वो फाइल मार्जिन फाइल नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, इशूज तो रहते ही है, टेक्निकल इशूज भी रहते हैं, तो वो अपनी जगह है। अगर सब चीज ठीक है तो उसके अनुसार हम लोगों ने जो कहा था उस समय तो हम लोग उसके लिए उस समय भी राजी थे, और आज अगर ये कह रहे नहीं है तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी आज के दिन।
अगर फिर शुरू होगा तो फिर उस समय की कंडीशन के अनुसार हम उसको बोल सकते हैं कि भाई लागू किया जाए। एनमी के ज्यादा मतलब आपने बोला कि सर्वसम्मति शायद नहीं बनी हो, आपके खुद के जो ब्रोकर मेंबर्स थे उनमें से कितने लोग तैयार थे ट्रेडिंग एक्सटेंशन के लिए और कितने लोग तैयार नहीं थे? वो संख्या अभी पता नहीं है, लेकिन जो भी हमने आपस में बातचीत करके जो बोला था वो बताया था। ऐसा कोई नहीं है कि कितने तैयार है। अब 900 मेंबर चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, इसमें हम कैसे बताएं आपको? नहीं, क्योंकि कोई ऐसा कोई ये जन्म संग्रह वाला हिसाब तो है नहीं। जन्म संग्रह की तो बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं खुद काफी जगह पर जाता रहता हूँ जहाँ पर काफी ब्रोकर्स आते हैं, जो मुझे फीडबैक मिलता था कि मेजोरिटी तैयार नहीं थी, तो उसमें क्या मतलब सभी को भी क्या यही फीडबैक मिला होगा कि मेजोरिटी एक्चुअली तैयार नहीं है? जो आपको फीडबैक मिला वो आपकी जगह सही था, उसी लिए हो सकता है, क्योंकि सेबी भी तो अपने उसका भी तो अपना एक तंत्र है जहाँ से वो समाचार लेती रहती है, और या जब प्रपोजल था एनएसी का उन्होंने नहीं दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, बताइए। चलिए, एक आशीष भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, सारी बात तो आपने बड़े तरीके से कर ली, समझ गया मैं, पर विनोद जी ये जो खबर आई है कि फैसला टल गया है, ये बताओ आप खुश हो कि अपसेट हो? नहीं, हम तो सर हर स्थिति में खुश है। हमारा रेगुलेटर जैसे बोलता है, हमारा एक्शन जैसे बोलता है, हम तो उसके अनुसार चलते हैं। हमें इसमें खुशी ना खुशी की कोई बात नहीं है। ओके, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आज हमारे साथ बात करने के लिए, और सारी चीजों पर आपने बात की, और अभी के लिए माना जाए कि ये प्रस्ताव अब ठंडे बस्ते में चला गया। हाँ, जैसा ये सेबी ने आया है, मैंने भी अभी अभी जस्ट उसमें पढ़ा है। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया क्या? कोई ऑफिशियल चैनल से नहीं पता चला अभी ना? नहीं, ये तो ये हमारे एनमी मेंबर्स में व्हाट्सएप में किसी ने वो कोई न्यूज़पेपर की कटिंग से दिया है, हमारे को कोई कम्युनिकेशन नहीं था। और मैं भी जो अभी मैं जैसे ही आपका फोन आया वो देखा हूँ, तो ये जो मैं आपको प्रतिक्रिया दे रहा हूँ ये भी उसके ऊपर दे रहा है। अगर उसके अंदर ज्यादा डीप में जाने पे अगर कुछ बातें निकलती हैं तो फिर उसके अनुसार एक अलग से फिर उसका व्यू बनाया जाएगा। ऑल राइट विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुबह सुबह आपने एक हमारे लिए एटलीस्ट एक अच्छी खबर दी। हम तो खुश हैं, हम ये बात कह सकते हैं। आप क्योंकि वो थोड़ी सी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ जाती है हमारे लिए, लेकिन थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़े आप, और ये पूरे की पूरे मामले को आपने क्लैरिफाई किया। तो बिल्कुल, तो अब देखिए, अब एक चीज़ क्लियर हो गई है आशीष की, अभी कुछ टाइम के लिए अब आप उसको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। परफेक्ट है। चलिए, अब बहुत सारे रिजल्ट्स कवर करने थे, अब गुजरात गैस पे जा रहा था, अभी काम करें सारे रिजल्ट्स की मैपिंग कर लेते हैं। अच्छा, गुजरात गैस सबसे इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए कन्फ्यूजन है। दिख तो अच्छे रहे थे, एक ब्रोकर ने सुबह सुबह आके कहा कि खराब लग रहे हैं। नंबर्स हैं कैसे अदरवाइज, बाकी कौन कौन से रिजल्ट्स? अब मुझे भी दिख अच्छे रहे हैं आशीष। हाँ। अब वो ब्रोकरेज रिपोर्ट डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी में 86% का इजाफा है, ये इनफैक्ट 409 करोड़ पर आया। रेवेन्यू 5% बड़ा है, साथ ही एबिटा में 47% से ज़्यादा की ग्रोथ है, और मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन 13% का था, मार्जिन्स आए हैं करीब 14.3%। नंबर्स वैसे अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा, अब नोवलिस के नंबर्स आए तो उस लिहाज से आप हिंडाल्को रेडार पर रखेंगे। नोवलिस के केस में प्रॉफिटेबिलिटी 6% बड़ी है, हालांकि रेवेन्यू घटा है, नेट इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल आइटम्स में करीब 2% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। सीजी पावर रेडार पर रखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 45% तक की गिरावट है, 234 करोड़ का ये फिगर आया है। रेवेन्यू हालांकि बड़ा है, 15% बढ़कर आता हुआ, और एबिटा में 3% की ही ग्रोथ है, मार्जिन्स करीब 150 बेसिस पॉइंट करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में सेल्स में करीब 5% का पिकअप है, लेकिन यहां पर मार्जिन्स कम है। पावर सिस्टम बिजनेस ज्यादा बेहतर कर रहा है, वहां पर 39% तक की ग्रोथ सेल्स में देखने को मिली है, और मार्जिन्स अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब आते हैं गुड बैड अगली पर, तो ज्यादा खराब नंबर्स में आप रूट मोबाइल, गुजरात फ्लोरो और डीसीएम को डालेंगे, डीसीएम श्रीराम, वो टेबल सामने आ जाएगा। रूट मोबाइल के केस में प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव देखने को मिला है, एबिटा में दबाव है, आय इनकी बहुत मामूली सी बड़ी है, ये अच्छे नतीजे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, सेलन एक्सप्लोरेशन, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, ये अच्छी कैटेगरी में डाले हैं। लेकिन खराब नंबर्स भी आपके सामने आएंगे, जिसमें तीन कंपनियों पर ज्यादा रिएक्शन आएगा, रूट मोबाइल, गुजरात फ्लोरो और साथ ही साथ डीसीएम श्रीराम, इन्होंने किया है डिसअपॉइंट। दो स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे और
मुथूट माइक्रो फाइनेंस परफॉर्मेंस डिसेंट है, ब्याज से आए 49% बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा इजाफा है 26% का, डिस्पर्सल्स में पिकअप है और मार्जिन 13.5% पर है। HPCL BPCL दोनों की बोर्ड बैठक को इंसिडेंटली 9th में यानी कि परसों है और नंबर्स के साथ साथ बोनस पर दोनों कंपनियां विचार करेंगी, तो ये दोनों स्टॉक्स आज इंपॉर्टेंट है, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। ये जो NSE ने अपडेट दिया है ये बड़े ब्रोकर्स के लिए खराब खबर है, क्योंकि वो अच्छा खासा मार्केट शेयर रेस्ट कर सकते थे। पालविया साहब का अपसेट फेस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा हमारे साथ पैनल में छुड़ते हुए। पालविया साहब, आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, अब ये न्यूज अच्छी भी है और खराब भी है, दोनों ही है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए बिजनेस जरूर बढ़ता है इससे, लेकिन वर्किंग आवर्स बढ़ते तो वर्क लोड भी सबका बढ़ता और आई थिंक उसको इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा सा टफ ही था अगर ये वर्किंग आवर्स बढ़ते और ट्रेडिंग आवर्स बढ़ते तो। आज का जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है और हमें लगता है जिस तरीके से ऑटोमोबाइल स्पेस में एक मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ पे हमें लगता है अशोक लीलैंड जिस तरीके से 200 के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है, जो ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखे, हमें लगता है यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है। अशोक लीलैंड के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे 210 से लेके 212 तक के, करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 197 के आसपास। अशोक लीलैंड गजब का मूव ये स्टॉक डिलीवर कर रहा है। पालिया साहब का आज का प्रेफर्ड पिक। क्विकली आज के इलेक्शन सिलेक्शन की बारी, इलेक्शन रिलेटेड तड़का तो है ही, फेज 3 की आज पोलिंग अंडरवे है एज वी स्पीक, तो गौरांग और मानस के पास चलना है, उनसे जानना है उनकी बेहतरीन आइडियाज। गौरांग सर, पहले आपके पास इलेक्शन सिलेक्शन में क्या चुन के लाए सर? तो आशीष, हमने 2 हफ्ते पहले शायद एक कंपनी का जिक्र किया था रक्षा क्षेत्र की, जो कि भारतीय नौसेना को बहुत बड़ी सहायता कर रही है, वो है कोचिन शिपयार्ड, और ये करेक्शन भी आया है उसी पर हम दोबारा राय देना चाहेंगे निवेश के लिए। और जो हमने तभी लक्ष्य बताए थे करीबन 1400 के आसपास के, वो बहुत ही करीब के और साधारण लक्ष्यांक है। जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और आने वाले समय में इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कराने की बात कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी भारतीय नौसेना के पास 2 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, तीसरा के ऑर्डर बहुत जल्द मिल जाएंगे कोचिन शिपयार्ड को, तो ये करेक्शन आया है तो दोबारा हम कोचिन शिपयार्ड पर ही जोर देना चाहेंगे और वहां पर निवेश की राय देंगे। 1400 का बहुत ही न्यूनतम और नजदीक का लक्ष्यांक है कोचिन शिपयार्ड। क्विकली मानस से जान लिया जाए, मानस आपका प्रेफर्ड पोजिशनल पिक। तो देखिए, मेरा जो पोजिशनल पिक है वो अशोक लीलैंड है, जो अभी पालविया जी ने भी डिस्कस किया। यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो काफी समय के बाद, करीब करीब 8 महीने के कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। मंथली चार्ट पे हम इसे फ्लैग पैटर्न की तरह देखेंगे तो कम से कम 230 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, और आपके स्टॉप लॉसेस 184 के रहेंगे। बहुत बढ़िया, कोचिन शिपयार्ड और अशोक लीलैंड रखिए रडार पे। गावा सर का कन्विक्शन अशोक लीलैंड पे बढ़िया पे ऑफ करता हुआ। खैर, मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं, शुरुआत पहला सौदा है।